नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। खबर है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर के। इन दोनों भाइयों के बीच जारी सियासी लड़ाई के बीच में क्या ऐसा हो रहा है कि सत्ता के संग्राम में तेज प्रताप यादव का ग्राफ नीचे जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार तेज प्रताप यादव अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आला कमान यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। बात तेजस्वी यादव के सामने तेज प्रताप की क्यों गिर रही है राजनीति में ग्राफ, इसी पर। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जो हैं वो लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। उसी तेजस्वी यादव के खिलाफ में जिनको अर्जुन कहते रहे हैं तेज प्रताप यादव। बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति में लालू की ये दोनों लाल एक अपनी पहचान रखते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों की जोड़ी की वजह से ही हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत भी मिली। आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर सामने तो आई, लेकिन जिस तरीके से जगदानंद सिंह के प्रकरण के बाद तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, उनको ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव या फिर खुद लालू यादव इस मामले में हस्तक्षेप कर सब कुछ सामान्य कर देंगे। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव की खुद में सोची गई ये रणनीति गलत साबित हो गई। जगदानंद सिंह को आरजेडी में फिर से मनाने के लिए तेज प्रताप यादव की ही कुर्बानी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दे दी। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव से लगातार तेज प्रताप यादव मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक बार भी इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। खास बात ये कि तेज प्रताप यादव जो हैं उन्होंने सबसे पहले जगदानंद के खिलाफ में कई मंचों से उनके खिलाफ कुछ ऐसे शब्द कहे जिसकी वजह से वो लगातार नाराज होते चले गए। कहा जाता है कि जगदानंद सिंह की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पार्टी दफ्तर तक आना छोड़ दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव को उनको मनाने के सिवा कुछ और नहीं था, लिहाजा तेज प्रताप के सबसे खास रहे आकाश यादव को कुर्बान करके जगदानंद सिंह को आरजेडी दफ्तर में लाया गया। इन तमाम चीज़ों के बीच में जब तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह एक साथ आरजेडी दफ्तर पहुंचे तो तेज प्रताप यादव ने बजाबते खुलकर ऐलान कर दिया कि किस तरीके से कुछ लोग और खास करके जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव जैसे चेहरे जो हैं एक दो भाइयों के बीच में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में तेज प्रताप यादव ने लगातार तेजस्वी से मिलकर के बात करने की कोशिश की। कई बार लालू राबड़ी आवास पटना पहुंचे तो दिल्ली में भी कई बार लालू के सामने समझौते की कोशिश की। एक वक्त तो ऐसा हुआ जब तेज प्रताप यादव ने बजाबते खुद को ही पीछे कर लिया और अपने लिए एक नए संगठन का गठन कर लिया। इन तमाम चीज़ों के बीच में ऐसा लगा कि शायद मनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इस बीच में लालू यादव ने दो बार कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तमाम लोगों के नाम लिए गए, लेकिन तेज प्रताप का नाम यहाँ से भी गायब रहा। स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हुई, उसमें भी तेज प्रताप यादव नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बीच में ये साफ जाहिर हो रहा है कि तेजस्वी यादव के बढ़ते कद और लगातार तेज प्रताप यादव जिस तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और जिस तरीके से उनकी अपनी ही पार्टी में उनको अनसुना किया जा रहा है, इन तमाम खबरों के बीच में यही लग रहा है कि तेज प्रताप यादव भले ही लालू यादव के बड़े लाल हों, हसनपुर से आरजेडी के विधायक हों, पार्टी में अपनी हैसियत रखते हों, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनका ग्राफ तेजी से गिर रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।